आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। का बिहार गुजराती से डरता नहीं है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाइए। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि हमें चुनाव हराओगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे, जनता फैसला करेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दावा, हमें उम्मीद है कि मोदी तीसरी बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह खत्म करना चाहते हैं आरक्षण और संविधान। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले उनका ड्रामा हो चुका है खत्म, 5 साल और पीएम मोदी के साथ सफर करने के लिए रहे तैयार। चिराग पासवान ने असदुद्दीन ओवैसी पर किया पलटवार, बोले ओवैसी केवल इंडी गठबंधन को पहुंचाएंगे नुकसान, लोगों में दिख रहा पीएम मोदी के लिए प्यार। वाराणसी में इंडी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो करने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने काल भैरव मंदिर में किए दर्शन और पूजा। डेटा जारी करने के मामले पर चुनाव आयोग का बयान, वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देर नहीं की जाएगी, चुनाव में कितने वोट पड़े इस डेटा को कोई भी बदल नहीं सकता। चुनाव आयोग के मुताबिक वो खुद संसदीय क्षेत्र के हिसाब से मतदाताओं की संख्या जारी करता है और ये सब पब्लिक डोमेन यानी कि सार्वजनिक रूप से होता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें फॉर्म 17C डेटा और बूथ वाइज वोटर टर्नआउट पब्लिश करने को लेकर शीर्ष अदालत ने कोई भी निर्देश देने से इनकार किया था। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारों के खुले कपाट, रोजाना करीब 3500 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की गुरुद्वारा कमेटी ने किए इंतजाम। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर लगाया आरोप, बोले जहां जहां वो हार रहे हैं वहां कर रहे हंगामा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार वीणा देवी से अज्ञात बदमाशों ने किया अभद्रता, जबरन गाड़ी रोककर विरोधियों ने किया मिसबिहेव, मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के चिंतामणपुर इलाके की घटना। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और आपने पंजाब की जनता को दिया धोखा, ये लोगों को ठगने वाला गठबंधन। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उड़ीसा बोर्ड के 12वीं के छात्रों के नतीजे आज किए जाएंगे घोषित, 4 लाख छात्रों का इंतजार होगा खत्म, शाम 4:30 बजे घोषित किए जाएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी छात्राओं से रेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऐप से आवाज बदलकर लेडी टीचर के नाम से करते थे फोन, फिर उन्हें अपने पास बुलाकर हवस का बनाते थे शिकार। पुणे पोर्च कार कांड के नाबालिग आरोपी के दादा को कोर्ट ने 28 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा, आरोपी के पिता और दादा के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज कराई गई। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि उसने ड्राइवर का अपहरण कर उसे अपने बंगले में कैद किया, वहीं उस घर से कुछ CCTV फुटेज भी बरामद हुए हैं जिसमें दादा के अपराध की पुष्टि होती है। शनिवार को 6ठे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि इस हिंसक झड़प में कई लोग हो गए घायल।